एक चीज भाई मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा यार कि लोकेशन के लिए मेरे को माफ करना, लोकेशन मैंने उतनी अच्छी चूज नहीं करी क्योंकि जो लोकेशन मिल पाए मैं आपके लिए वहीं पर ही वीडियो बनाने के लिए आ गया हूं। बात हम करने वाले हैं यामाहा की बाइक की और देख के आप समझ गए हो कौन सी बाइक है। यह है इसका MT-15 वाली गाड़ी और MT-15 में ये जो एडिशन हम कवर कर रहे हैं ये इसका साइन कलर वाला एडिशन है, मतलब टॉप एडिशन है ये इसका, कुछ ये आइस करके कुछ साइन स्टॉर्म रेसिंग एडिशन कहते हैं वाला ये वेरिएंट है, सबसे टॉप वेरिएंट है। प्राइसिंग भी अच्छी खासी है, 1,62,000 का शोरूम प्राइस है। ऑन रोड करीब करीब आपको 1,90, 1,92, 1,95 तक जा सकती है, उसकी गारंटी मैं ही देता हूँ। और भाई बाइक के जो लुक्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं और अच्छे इसलिए और ज्यादा हो गए हैं क्योंकि गाड़ी का यहाँ पर जो कलर है वो बहुत बेटर निकल कर आता है, जो साइन कलर आप देख रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पर जो लुक है काफी बढ़िया निकल कर आता है। ड्यूल टोन ये कलर दे रही थी एक तरीके से और यहाँ पर जो इस तरीके से डिकैल्स वगैरह लगे स्टिकरिंग वगैरह हो रही है काफी बढ़िया ये लगती है। और जैसा स्टिकर यहाँ पे लगा है भाई सेम चीज आपको ये फ्रंट में भी देखने को मिलेगी और ये चीज ऐसी है ना कि दूर से पता चल जाता है हाँ भाई यामाहा की बाइक आ गई। चाहे आप FZ की बात करो या फिर MT की बात करो, सबका ये आगे का लुक ना उन्होंने कुछ इस तरीके से बना रखा है। अब हर कोई कहता है भाई ट्रांसफॉर्मर की तरह, मैं भी कहूँगा ट्रांसफॉर्मर की तरह ही लगता है, दो आंखें हैं यहाँ पे इसका मुंह जैसा। बाकी सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी कि फ्रंट का जो पूरा यहाँ पे लाइटिंग सेटअप है आपको LED में मिलेगा, DRLs मिल जाती हैं, ये आपको प्रोजेक्टर में देखने को मिलता है। एक बार आपको मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, पहले एक बार में स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, ये लगता है तेल कम है गाड़ी में। हो गए स्टार्ट भाई, देख लो भाई लाइटिंग का सेटअप कुछ इस तरीके से बनेगा, पूरा LED में मिलेगा। बाकी जो टर्न इंडिकेटर हैं वो उन्होंने भाई थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए, जब भी मैं इस बाइक को चला रहा था ना मेरा हाथ बार बार ही हॉर्न में जा रहा था। तो आप देखो टर्न इंडिकेटर हेलोजन में है, यहाँ पर आपको लाइटिंग सेटअप पूरा LED में मिल रहा है। बाकी पीछे की लाइटिंग सेटअप दिखाऊं तो ये भी आपको LED में मिलेगा, छोटा सा है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा है कि यार कार के तरह बड़ा बड़ा ही नहीं दिया, छोटा सा आपको दे रखा है। और पीछे भी आपको जो टर्न इंडिकेटर हेलोजन में मिलेंगे और साइलेंस की आवाज़ देखो भाई नॉर्मल ऐसा आएगी। अब थोड़ा सा अगर रेव हम करते हैं यहाँ पे गया भाई पेट्रोल गया तो खत्म हो गया यहाँ से भाई हमारा सारा पेट्रोल वगैरह, कोई बात नहीं लेकिन फिर भी आप हल्का फुल्का समझ गए होगे सीन। लाइटिंग सेटअप कुछ इस तरीके से बनता है, फ्रंट की लुक की बातचीत कर लो, देखने में कुछ इस तरीके से बनती है। गोल्डन कलर की यहाँ पे जो सस्पेंशन का यहाँ पे कलर आपको मिलता है ये काफी बढ़िया लगता है दिखने में भाई, ऐसा आपको ये BMW की बाइक्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफी लोग ना ये आफ्टर मार्केट रैप कराते हैं, ये चीज़ कंपनी ने पहले से दे रही। और 17 इंच आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं और टायर का जो साइज़ है ये 100 है, मतलब 100 mm चौड़ा है और 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। सिंगल चैनल ABS मिलेगी, ड्यूल चैनल मिलते हैं तो ब्रेकिंग और बेटर हो जाती है, लेकिन सिंगल चैनल आपको ABS मिलता है, मेरे को तो ऐसी कोई बेकार चीज़ लगती नहीं है, काम चल जा रहा है पूरा पूरा यहाँ पे। और अलॉय व्हील भी यहाँ पे आपको इस तरीके से साइन कलर के देखने को मिलेंगे। स्कूल के बच्चे आ गए थे, चलो कोई नहीं भाई। बाकी अगर हम बाइक की बात करें तो लेंथ उतनी लंबी नहीं है बाइक की, इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाइक मेनली फोकस कर रही है भाई स्ट्रीट में, जो लोग यहाँ पे स्ट्रीट में बाइक को चलाएंगे उन पे ये गाड़ी मेन फोकस कर रही है, तो उतनी लंबी यहाँ पे लेंथ नहीं है। व्हील बेस आपको कम मिलेगा लेकिन भाई मेरी बात मानना, इसका भले ही व्हील बेस कम है गाड़ी आपको स्ट्रीट में चलाने में एक नंबर मजा आने वाला है, गाड़ी हल्की भी बहुत है। अब कर्व वेट जो भी रहेगा मैं इसको साइड में डाल दूंगा। तो कुल मिला के भाई यहाँ पर जो डायमेंशन रखे गए मेरे हिसाब से परफेक्ट रखे गए। और सबसे बढ़िया चीज़ बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलता है, एक नीचे बाकी 5 ऊपर, काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम करेगा। वैसे मैं आपको ब्रेक वाला दिखा रहा हूँ, इस साइड पे होता है आपका यहाँ गियर वाला, माफ़ करना है चीज़ मेरे को। और अगर यहाँ पे मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 155 cc का इंजन देखने को मिलेगा और 18 kbhp जनरेट करता है, 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पर ओनर क्लेम कर रहे हैं 50 का माइलेज इसलिए आराम से निकल जा रही है क्योंकि एक तो अगर आप इसको हाईवे में भी क्रूज करोगे आराम से गाड़ी भाई आराम से टॉप स्पीड तक भागती है, 6 गियर हैं, लंबा आप इसको खींच सकते हो। बातचीत कुछ इस तरीके से हो गई है। पीछे की लुक की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। टेल टाइडी काफ़ी बड़ी है और ये टेल टाइडी बड़ा इसलिए दिया क्योंकि अगर टेल टाइडी नहीं देते तो भाई बाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटी लगती। और पीछे का जो टायर है ये आपको 140 mm चौड़ा देखने को मिलता है, तो बाइक पीछे से काफ़ी टायर पीछे से काफ़ी चौड़ा है, साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो सबसे अच्छा इसका अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है भाई यहाँ पर इसकी ये डिस्प्ले और ऊपर अभी जो बाहर देख लो ये इसके RPM का लाइट है, मतलब जब आप गाड़ी को बिल्कुल फुल एक्सेलरेट करते हो एकदम टॉप RPM तो ले आते हो तब यहाँ पे ब्लिंक करता, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगती है। और TFT डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले है, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देती है, लाइक यहाँ से अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एवरेज भी शो करेगी और ढेर सारी चीज़ आपको शो करती है। डिटेल में इस पर नहीं बनाने वाला हूँ वीडियो में, बाकी यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कि काफ़ी बढ़िया आपको डिस्प्ले मिल गई है, सब चीज़ नॉर्मल रखी गई है, बस ये चीज़ ऊपर नीचे कर दी। बाकी 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। सीट की आप लेंथ देख लो, ड्राइवर सीट राइडर जो चलाएगा उसके लिए इतना पोर्शन रखा गया है, पिलियन के लिए थोड़ा छोटा रखा गया लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल रहेगा। साइड में यहाँ पे ग्रैब हैंडल बार मिल जाते हैं
और जब मैं इस बाइक में बैठा तो पूरी तरह से कंफर्टेबल था। काफी लोग के सवाल रहते हैं कि भाई मेरी हाइट यहाँ पे 5 फुट 5 इंच है, 5 फुट 2 इंच है, क्या मैं कंफर्टेबल रहूंगा? बिल्कुल कंफर्टेबल रहोगे। गाड़ी का कर्व वेट बहुत ज्यादा कम है, सीट भी की और इसकी जो यहाँ पे हाइट है वो भी काफी कम है, आराम से बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि पाँव नीचे आराम से पहुंचते, गाड़ी चलने में काफी अच्छी है। और अगर ओवरऑल बाइक को देखें तो भाई मेरे को इसके प्लस पॉइंट्स यही लगे यार कि लुक्स काफी अच्छे हैं इसके, चलने में बाइक बहुत ज्यादा अच्छी है। नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये लगा इसका कि सबसे पहले बटन्स को ऊपर नीचे कर दिया था, थोड़ा क्वालिटी में इशू लग रहा है मेरे को, उतनी बेटर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी और बेटर हो सकती थी। बाकी बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं, बाइक काफ़ी अच्छी है, आप ले सकते हो इस वाले एडिशन को। टॉप एडिशन लोगे तभी आपको ये सब कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, वरना इसको मैट ब्लैक वगैरह देखने को मिलेगा। रेसिंग एडिशन भी आ गया मोटो जीपी वाला, उसको भी आपके लिए मैं कवर करूंगा। नया चैनल तो भाई आपके सपोर्ट की जरूरत है, लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द इसे को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।